स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एकदम न्यू यूनिट जिसका नाम है जेनेटिक्स। ठीक है, और कहा गया जेनेटिक्स, हाँ जी, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स आपकी 12th क्लास की सेकेंड यूनिट है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही याद करा दिया था कि आप 12th क्लास में आ गए हो, आप चाहे किसी भी क्लास में हो, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, उन सभी सब्जेक्ट्स के आपको चैप्टर नेम याद होने चाहिए, जो कि मैंने शुरू वाले दिन ही आप लोगों को याद करा दिए थे, है ना? आप सभी को चैप्टर नेम याद है ना? क्लियर है? ठीक है। यस हाँ, इस जेनेटिक्स में कितने चैप्टर्स आते हैं बताओ मुझे, सर। कौन कौन से आएंगे? सबसे पहला चैप्टर का क्या नाम है? हाँ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यहाँ पे हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे और कैसे कैसे प्रोसेस होती है वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद सेकंड क्या है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ यस, इनहेरिटेंस, सेकेंड है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और तीसरा है आपका इवोल्यूशन। एवोल्यूशन, है ना? चलो ठीक है, अच्छी बात है, आप सभी को याद है। स्टार्ट करते हैं। देखो जेनेटिक्स क्या है, और इस पूरी जेनेटिक्स में आपको ये जो बायो मॉलिक्यूल है बहुत आपके सामने देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये है डीएनए, और डीएनए आई थिंक सभी जानते होंगे। और आज मैं सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ाऊंगा, और वो सभी बेसिक कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे 1 या 2 दिन तक जो हमारे चैप्टर्स के अंदर में आएंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हैं और सीधा ही चैप्टर में घुस जाते हैं, नोट्स बनाते हैं, उनको लर्न करते हैं और फिर एग्जाम में बैठते हैं, कोई क्वेश्चन बाहर से आता है तो हम सोच नहीं पाते हैं। ये चैप्टर ना थोड़ा थॉट बेस्ड चैप्टर है, तो इसमें आपकी सोच को मजबूत होना पड़ेगा, और सोच को मजबूत करने के लिए एक हम नींव तैयार करेंगे, और नींव तैयार होगी बेसिक कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो आज मैं आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। हो सकता है किसी बच्चे को पहले से ही आते हो, लाइक अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ डीएनए की, तो हो सकता है किसी को पहले से ही पता हो डीएनए क्या होता है, क्योंकि क्योंकि उसने 11th क्लास में न्यूक्लिक एसिड पढ़े होंगे। ठीक है ना, आपने पढ़े होंगे ना न्यूक्लिक एसिड, आपने पढ़े यस होंगे, सर। न्यूक्लिक एसिड्स आपने पढ़े होंगे, है ना? न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के होते हैं, एक तो डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे साथ के साथ। ठीक है, हालांकि ये सब चीजें डिस्कस करने की जो चैप्टर है वो जेनेटिक्स का सेकंड चैप्टर है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बट बिलीव मी, उस चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक डीएनए क्या है, कैसे ये डीएनए इधर से उधर जा रहा है, ये पेयरिंग कैसे हो रही है, ये सब चीजें मुझे तुम्हें अभी बतानी पड़ेंगी, नहीं तो हम जेनेटिक्स को समझ नहीं पाएंगे। जैसे बाकी बच्चे गलती करते हैं, ऐसी ही गलती हम कर बैठेंगे। ठीक है, तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ही जानेंगे फिलहाल। तो देखो बच्चों, जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स क्या है जान लेते हैं। तो देखो जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स एक स्टडी है, दो प्रोसेस की स्टडी करेंगे हम बस जेनेटिक्स में। एक तो हम स्टडी करेंगे इनहेरिटेंस की, और एक स्टडी करेंगे हम वेरिएशन की। इनहेरिटेंस की और वेरिएशन की। आप लोगों ने 10th क्लास में भी जेनेटिक्स का थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कुछ, वहां पे आपने ये पढ़ा होगा कि इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग हम संतानों को बोलते हैं। ठीक है, जो भी संतान होती है, जैसे हम भी संतान है अपने माता पिता की, पेरेंट्स की। ठीक है, तो हमारे अंदर कुछ कैरेक्टर्स आए हैं, इस बात को थोड़ी देर के लिए पॉज करो और वो चीजें याद करो। क्या आपकी आंखों को देख के आपके पेरेंट्स ने नहीं बोला इसकी आंखें इस पर गई हैं, इसकी आंखें इस पर गई हैं, इसकी आंखें दादी पर गई हैं, इसकी आंखें दादा पर गई हैं, ऐसा बोलते हैं या नहीं बोलते? या फिर इसकी ये पूरी मम्मी पे गई है, ये पूरा पापा पे गया है, ऐसी बातें आपने सुनी होंगी। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं, यस सर। देखो वो कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा, जैसे कि वो गुस्सैल है, जैसे कि आप अगर एरोगेंट है, आपके पापा भी एरोगेंट है, तो उन कैरेक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कैरेक्टर्स भी 2 ही तरह के होते होंगे। एक वो कैरेक्टर जो ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है, एक वो कैरेक्टर जो ट्रांसफर हो जाते हैं, और एक वो कैरेक्टर जो ट्रांसफर नहीं होते हैं। कहां से कहां ट्रांसफर, कहां से कहां? पेरेंट से उनकी ऑफस्प्रिंग में।
तो ऐसे कैरेक्टर्स जो ट्रांसफर हो जाते हैं, अगर किसी को आइडिया हो तो बताओ क्या बोलेंगे ऐसे कैरेक्टर्स को हम? आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, चलो कोई बात नहीं। जो कैरेक्टर जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं जेनेटिक कैरेक्टर, और जो कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, तो जेनेटिक कैरेक्टर और एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, तो अगर कोई गुस्सेल है, किसी का नेचर कैसा है, वो जन्म से नहीं होता है, वो उसकी सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, मान के चलो अगर कोई बच्चा एक बहुत ही ज्यादा पैसे वाले खानदान में पैदा होता है, जहाँ पे बहुत ही पैसा है, बहुत ही ज्यादा पैसा है, बहुत ही ज्यादा पैसा है, ठीक है, तो सीधी सी बात है वो ये कहेगा पैसे की वैल्यू नहीं करेगा वो, क्योंकि इंसान की एनवायरमेंट ही उसका ऐसा है, उसके चारों तरफ में कोई गाली नहीं देता है ना, सब खुश रहते हैं, तो वो भी ऑब्वियस सी बात है वो भी खुश ही रहेगा। लेकिन कोई ऐसा एनवायरमेंट है जहाँ डांट के ही बात करते हैं, जहाँ गाली दे के ही बात करते हैं, जहाँ एक दूसरे से मार पिटाई करते हैं, ज्यादा झगड़ा करते हैं, तो वो बच्चा ऐसी ही सराउंडिंग से कुछ कैरेक्टर अपने अंदर लेगा। हाँ, अपनी सराउंडिंग से, कहाँ से? अपनी सराउंडिंग से। तो अपनी सराउंडिंग से कुछ कैरेक्टर वो लेगा, लेने को ही हम एक्वायर करना बोलते हैं। तो ऐसे कैरेक्टर जो बाहर की सराउंडिंग से लिए जाते हैं उनको हम बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। और ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं ये ट्रांसफर नहीं होते हैं पेरेंट से उसकी ऑफस्प्रिंग में। अब कुछ अनपढ़ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं नेगेटिव फील कराने के लिए, हमारी ही सराउंडिंग में ऐसे बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे बोल देंगे कि चाय वाले का बेटा चाय ही बेचेगा, है ना, और ड्राइवर का बेटा ड्राइवर बनेगा, और चोर का बेटा चोर बनेगा। ऐसी बात आपने सुनी है? Yes. पर क्या आपने ऐसे इंटरव्यू भी सुने हैं कि रिक्शा चलाने वाले का बेटा बना IAS? Yes, yes, sir. झाड़ू लगाने yes, वाले sir. हाँ, झाड़ू लगाने वाले का बेटा बना IPS, ये बना डॉक्टर, रिक्शा चला। एक एलन वाले का आया था, वो पता नहीं कितने साल से दे रहा था कोचिंग ले रहा था बहुत साल से, फिर उसको सिलेक्शन हुआ था अभी अभी रिसेंटली पिछली बार MBBS में, तो उसका भी इंटरव्यू हुआ था। क्लियर है ना? अब ये भी तो एक चीजें हैं। तो कहने का मतलब एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है, जो ये ताने देते हैं लोग कि चाय वाले के बेटे चाय बेचेगा, ये करेगा, तो चाय बेचना, ठीक है ना, चाय सेल करना, ये एक प्रोफेशन है, ये एक प्रोफेशन है जो हम एक्वायर करते हैं। लाइक मैं भी टीचर हूं, मेरा बच्चा पैदा होते ही टीचर नहीं बनेगा, तो चाय सेल करना एक प्रोफेशन है। और प्रोफेशन क्या है? एक एक्वायर्ड कैरेक्टर है। प्रोफेशन इज व्हाट? प्रोफेशन इज एन एक्वायर्ड कैरेक्टर व्हिच डू नॉट ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, तो एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या, ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब जेनेटिक कैरेक्टर क्या होते हैं? जेनेटिक कैरेक्टर्स आर दोज कैरेक्टर व्हिच ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है ना, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, जो कि ट्रांसफर हो जाते हैं। लाइक स्किन कलर, ठीक है, अब जो एकदम ब्लैक होते हैं, जो एकदम ब्लैक होते हैं जिनको नीग्रो बोलते हैं, नीग्रो बहुत ज्यादा काले ब्लैक को एकदम नीग्रो ब्लैक बोलते हैं। नीग्रो ब्लैक की अगर शादी हो जाती है एकदम किसी अदर नीग्रो से, दूसरे ब्लैक फीमेल से, ठीक है, और ये मेल है, तो इनसे जो भी ऑफस्प्रिंग पैदा होगा वो फेयर पैदा हो जाएगा या नीग्रो रहेगा? तो नीग्रो रहेगा ना। तो देखो, अच्छा, ये सब कुछ जो आइडियाज हैं कि गोरे बच्चे का बेटा गोरा पैदा होगा, अगर ये पेरेंट्स सुंदर हैं तो इनका बच्चा सुंदर पैदा होगा, है ना, फेयर स्किन का पैदा होगा, ब्लैक स्किन का पैदा होगा, ब्लू आईज, ठीक है, ब्लैक आईज, और ये हाइट, जो कुछ भी ये फीचर हैं, ये बाहर से नहीं लिए जाते हैं, ये बाहर से नहीं लिए जाते हैं, ठीक है, ये बाहर से नहीं लिए जाते हैं। तो ये सब कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? ये सब कैरेक्टर हो जाएंगे आपके जेनेटिक कैरेक्टर, ठीक है, और ये ट्रांसफर हो जाते हैं।
अब ये कैरेक्टर जो हैं, जो हमें अपनी मॉर्फोलॉजी में दिख रहे हैं, जो हमें अपनी मॉर्फोलॉजी में दिख रहे हैं लाइक स्किन कलर और हाइट व्हाटएवर काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, मैंने आपको रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में बताया था. ऑल द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स डिपेंड ऑन देयर जेनेटिक कैरेक्टर. वो किस पे डिपेंड करते हैं, उसके जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करते हैं कि उसका डीएनए किस टाइप का है, उसका डीएनए किस टाइप का है. आज आपके दोस्त, आपकी बहन और कोई भी आपके बहुत ही क्लोज, इवन आपकी फैमिली में भी आपकी ही जैसी शक्ल के नहीं दिखते होंगे. क्यों? क्योंकि आपका जेनेटिक मेकअप किसी और टाइप का है, ठीक है, और उसका जेनेटिक मेकअप किसी अदर टाइप का है, ठीक है, उसका जो डीएनए है वो किसी अलग टाइप का है, उसका टाइप टू का है, और उसी वजह से उसकी भी जो मॉर्फोलॉजी है वो अलग हो जाएगी, ठीक है ना. अब बहुत ज्यादा अलग नहीं है. अगर मैं बात करूं ह्यूमन के, जैसे कि मैं हूं और आप लोग हैं, तो हमारा डीएनए 99.99% तक भी मैच करता है, ठीक है. बस कुछ मतलब हमारा आपस में डीएनए इतना सेम है तभी हम लोग ह्यूमन हैं. और ऐसी कितनी ही बातें मैंने आपको स्कूल में बताई होंगी कि हमारा डीएनए और जो पिग 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 का एक प्रोटीन होता है मायोसिन, तो इसका प्रोटीन मायोसिन और हमारा प्रोटीन आपस में 90% मैच करता है, और बस 10% वैसे ये पिग जैसा दिखता है और हम ऐसे दिखते हैं. तो ये बस सब कुछ डिपेंड करता है डीएनए पर, ठीक है, आपके डीएनए का टाइप कैसा. ये बातें बेसिक कॉन्सेप्ट जो मुझे बतानी है कि आप लोग सोचें, इसके ही इर्द गिर्द आप लोग सोचें, डीएनए के आसपास में ही आप लोग सोचें, ठीक है. तो इनहेरिटेंस क्या है, आपने जान लिया है, एक प्रोसेस है किसकी, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर की, कहां से कहां तक, पेरेंट से उसकी ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस. इसके बाद, हाँ जी, इनहेरिटेंस के बाद एक और हेडिंग है यहाँ पे जो कि है वेरिएशन. वेरिएशन जानते हैं, वेरिएशन क्या होता है, तो वेरिएशन एक तरह का चेंज है जो कि हमें देखने को मिलता है प्रोजेनी में और प्रोजेनी और उनके पेरेंट्स से. माना कि चलो पेरेंट्स हैं, एक मेल है और एक फीमेल है, ठीक है. अच्छा, इसके अंदर कोई कैरेक्टर वन है और इसके अंदर कैरेक्टर टू है, या फिर मान के चलो आपके पेरेंट्स कैसे दिख रहे हैं वो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, और इनसे पैदा होने वाली जो संतानें हैं, मान के चलो पहले एक लड़का पैदा हो गया, फिर एक लड़की पैदा हो गई, फिर एक लड़का पैदा हो गया, तो आप देखेंगे कि एक तो ये जो टोटल है इसको हम बोलेंगे प्रोजेनी, ठीक है ना, प्रोजेनी. तो ये जो प्रोजेनी के जो इंडिविजुअल है, जैसे कि ये एक इंडिविजुअल हो जाएगा, ठीक है, ये एक इंडिविजुअल है, ये एक इंडिविजुअल है, ठीक है, ये भी एक इंडिविजुअल है. तो ये एक तरह का चेंज है जो हमें देखने को मिल रहा है एमंग इंडिविजुअल्स ऑफ प्रोजेनी, ठीक है ना. एक तो इनके आपस में हमें चेंज देखने को मिलेगा, मतलब ये भी एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे, और ये जो प्रोजेनी है वो अपने पेरेंट्स से भी मैच नहीं करेगी. ऊपर में जो मैंने ये पेरेंट्स सपोज किए हैं, ये पेरेंट्स से भी ये आपस में मैच नहीं करेंगे. तो कहने का मतलब कुछ ना कुछ चेंज भी तो आता है. अब ये चेंज कैसे आता है और ये कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होते हैं, इन सब की स्टडी को ही हम जेनेटिक्स बोलते हैं. क्लियर है, समझ में आ गया यहां तक, कोई परेशानी तो नहीं? ओके, चलो अब मैं तुम्हारी मुलाकात कराता हूं एक साइंटिस्ट से. इनको तो आप जानते होंगे, शक्ल देख के पहचान लिया होगा,
ठीक है, ये है ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने 1856 से लेकर के 1863 तक, ठीक है, कल्टीवेशन किया और टेस्ट किया कितने प्लांट्स को, लगभग 28,000 टी प्लांट्स को। कितने साल हो जाते हैं ये, 7 इयर्स हो जाते हैं, इस 7 इयर्स हो जाते हैं, ठीक है। और आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स पर स्टडी किया, जानते नहीं जानते? Yes, sir. हाँ जी, 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, तो आप खुद अंदाजा लगाएं, 7 साल और 7 ट्रेट और पी प्लांट, तो खुद अंदाजा लगा उन्होंने 1 कैरेक्टर, 1 कैरेक्टर को स्टडी करने में 1 साल लगाया, ठीक है, 1 कैरेक्टर को स्टडी करने में 1 साल लगाया, तभी तो 7। अच्छा, ट्रेट मतलब ना कैरेक्टर होता है, याद रखना, तो इसीलिए 7 कैरेक्टर्स को स्टडी करने में कितने साल लगेंगे, 7 साल लगेंगे, सीधी सी बात है ना। अच्छा, इसके बाद 7 साल ही क्यों, क्योंकि ये जो पी प्लांट है ये मौसमी पौधा है, मतलब साल में बस एक बारी तोगता है। क्या मटर की खेती साल में 2 बारी हो जाती है, सर्दी और गर्मी दोनों में? नहीं होती ना, एक बारी होती है, तो साल में एक ही कैरेक्टर को इसलिए स्टडी कर पाए। इसके बाद इन्होंने ये देखा कि जो ऑफस्प्रिंग है वो कुछ कैरेक्टर होते हैं जो पेरेंट्स से उनको रिटेन रखता है, ऐसे का ऐसा ही रखता है, मतलब कुछ कैरेक्टर को पेरेंट्स से वो ले लेता है, पेरेंट्स से कैरेक्टर्स को ले लेता है। तो ये चीजें इन्होंने स्टडी करी है मेंडल, और मेंडल को ही हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। मेंडल कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स क्या है समझ चुके हो, कोई भी आपसे पूछेगा जेनेटिक्स क्या है, पूरा समझा देना जेनेटिक्स क्या होता है, इसमें हम स्टडी क्या क्या करते हैं। तो इस चैप्टर की एक लिमिट है कि हमें ये देखना है कि पेरेंट से लेकर ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होते हैं और उनमें चेंज कैसे कैसे आता है, हमें बस ये जानना चैप्टर में। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि चैप्टर में पढ़ना क्या है तो फिर समझ में नहीं आएगा, रटना नहीं है, इंटरेस्ट पैदा करो, ठीक है। देखो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, एक तो इनहेरिटेंस पढ़ना है और वेरिएशन पढ़ना है। अब आगे चलते हैं, बहुत हो गई बातें। अब देखो, अगर हम अपने पूर्वजों की बात करें तो उनको ना थोड़ा सा आइडिया था, उनको आइडिया पहले से था, चाहे उन्होंने बायोलॉजी पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। आप भी अगर अपने गांव साइड में जाओगे या फिर ऐसे लोगों से मिलोगे जिन्होंने बायोलॉजी का बी भी नहीं पढ़ा है, सब सपोज करो ना बायोलॉजी का कुछ भी नहीं पढ़ा है, जो अनपढ़ है वो भी ये अंदाजा लगा ही लेते हैं कि अगर इसके पेरेंट्स के अंदर ये कैरेक्टर हैं तो बच्चे के अंदर कौन से कैरेक्टर जाएंगे, एग्री करते हो या नहीं? Yes, sir. है ना, वो थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं कि है? इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो जो हमारे एंसेस्टर है, एंसेस्टर का मतलब मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मंकीज की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे एंसेस्टर मतलब जो हमारे दादा परदादा और जो बहुत पूर्वज हैं, ठीक है, उनको बहुत पहले से ही ये आइडिया रहता है कि कैरेक्टर्स जो होते हैं वो ट्रांसफर तो होते हैं पेरेंट्स से उनकी ऑफस्प्रिंग में, तभी तो वो बहुत पुराने टाइम से बोलते आ रहे हैं ये बातें, इस आंखें इस पे गई हैं, कान इस पे गए हैं, मुंह इस पे गया है, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये बात मैं आपको अब समझाता हूँ। अब ह्यूमन ने क्या किया है, जब वो ये चीज जान चुका है कि पूर्वजों से जो कैरेक्टर हैं, जो गुण हैं, वो ट्रांसफर होते हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसा सोचा कि क्यों ना हम जब ये सब जान चुके हैं तो कुछ डिजायरेबल कैरेक्टर बनाए, डिजायरेबल कैरेक्टर पैदा करने की इच्छा ह्यूमन के अंदर जागने लग गई कि हम अपनी मर्जी से कैरेक्टर्स पैदा करेंगे। ऐसा ही एक एग्जांपल है, एक वाइल्ड काऊ है जिसका नाम है बॉस प्रीमी जीनस, ठीक है,
अब ये एक वाइल्ड काउ है। एक बात और याद रखना, जेनेटिक्स में कहीं भी वाइल्ड आ जाए तो वाइल्ड का मतलब ओरिजिनल होगा, ठीक है ना। वाइल्ड मीन्स क्या होगा? ओरिजिनल मतलब जो सबसे पहले कैरेक्टर थे। अब इसके अंदर कुछ भी चेंज अगर हम मुझे लेके आना है तो मुझे कुछ आर्टिफिशियल क्रॉस कराने पड़ेंगे। आर्टिफिशियल क्रॉस का मतलब क्या है? मतलब मैं इस ओरिजिन का क्रॉस कराऊं किसी अदर डिजायरेबल कैरेक्टर से, जिससे कि जो इस ओरिजिनल का कैरेक्टर कोई वन मुझे पसंद अगर आ रहा है और मैं इसको किसी डिजायरेबल कैरेक्टर टू से अगर क्रॉस कराऊंगा तो पैदा होने वाली जो ऑफस्प्रिंग होगी इसके पास मेरी डिजायर के अकॉर्डिंग दोनों ही कैरेक्टर हो जाएंगे, वन भी और टू भी। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? क्लियर है? क्योंकि क्योंकि देखो इसके पास क्या है, इसके पास है इस कैरेक्टर के रिगार्डिंग कोई डीएनए होगा, ठीक है। मान चलो इस कैरेक्टर के लिए डीएनए होगा इसके पास वन, और इस कैरेक्टर टू के लिए डीएनए होगा टू। और जब ये आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो ये दोनों डीएनए मिक्स होंगे, और दोनों डीएनए मिक्स होंगे तो जो पैदा होने वाली प्रोजेनी है उसके पास दोनों ही कैरेक्टर आ जाएंगे। इस बात को अभी आप सोचो कि कैसे कैसे होता है। अगर नहीं सोच पा रहे हो तो मैं बताऊंगा क्रोमोसोम्स कैसे बनते हैं, फिर वो कैसे पेयरिंग करते हैं, हैप्लॉइड डिप्लॉइड कैसे ट्रांसफर होता है, वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है। तो ह्यूमन ने क्या किया, आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया है, और फिर एक काओ जो कि आज हम जानते हैं साहिवाल काओ को। साहिवाल नाम तो सुना होगा, साहिवाल। हाँ, साहिवाल काओ जो है पंजाब में है, ठीक है, आपने देखी होगी ऐसी काओ। और ये कैसे बनाई गई है, ये भी आर्टिफिशियल सिलेक्शन से ही पैदा करी गई है, ठीक है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या होता है, एक तो ओरिजिनल कैरेक्टर ले लिया है, डिजायरेबल कोई भी कैरेक्टर, और किसी दूसरे का कैरेक्टर ले लिया है और उनका मिक्स करा करके साहिवाल काओ बना दी है। अब साहिवाल काओ के अंदर ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर है जो हमें चाहिए थे? तो देखो जो हमने ये पहला, एक तो ये टिक रेजिस्टेंस है, हीट को टॉलरेट कर सकती है। दूसरा, हाई रेजिस्टेंस टू पैरासाइट, इसको पैरासाइट इतनी जल्दी से लगते नहीं जितने और अलग गायों को जल्दी से पैरासाइट लग जाएंगे, लेकिन साहिवाल काओ को पैरासाइट इतनी जल्दी नहीं लगेंगे। और एक बात जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिल्क। तो ये ड्यूरिंग अ लैक्टेशनल पीरियड, एक लैक्टेशनल पीरियड में ये लगभग 2,270 किलोग्राम मिल्क पैदा कर देता है एक लैक्टेशन। अब लैक्टेशन क्या होता है सुनिए, मैं यहीं के यहीं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा है, तो इसीलिए देखो जायगोट बनेगा, आप ये तो जानते हो। जायगोट बनता है स्पर्म और एग के फ्यूजन से, है ना। और जायगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से क्या बनेगा, एक न्यू बॉर्न बेबी बनेगा, ठीक है। न्यू बॉर्न बच्चा पैदा हो जाएगा। तो यहां से लेकर यहां तक का जो ये टाइम है इसको हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, इसको हम बोलेंगे गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड के बाद अब टाइम आता है पार्चुरीशन का, ठीक है। पार्चुरीशन हम किसको बोलते हैं, पार्चुरीशन हम बोलते हैं डिलीवरी ऑफ फीटस, ठीक है। पार्चुरीशन हम बोलेंगे डिलीवरी को, जो ये बच्चा अब पैदा होगा, तो पार्चुरीशन बोलते हैं डिलीवरी की प्रोसेस को। मतलब फीमेल की वो जो माँ है उसके अंदर से अब नए बच्चे को बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। तो डिलीवरी की प्रोसेस को पार्चुरीशन बोलते हैं। पार्चुरीशन के तुरंत बाद से ही अब मदर जो है वो मिल्क सेक्रीट करना शुरू कर देगी, ठीक है। मिल्क सेक्रीट करना शुरू कर देगी लगभग 6 से 1 साल, 2 साल, 3 साल तक, ठीक है। मिल्क सेक्रीट करना शुरू कर देगी, और इस मिल्क सेक्रीट करने वाले पीरियड को ही हम बोलते हैं लैक्टेशनल पीरियड। समझ में आ गया लैक्टेशन पीरियड क्या है?
यस सर ठीक है ना। हाँ तो एक लैक्टेशन पीरियड में ये कितना पैदा कर देती है दूध, कितना मिल्क, इतना ठीक है 2270 केजी। अच्छा कुछ वैरायटी ऐसी हैं साहिवाल की जो इससे ज्यादा भी पैदा कर देती है, लेकिन ये एवरेज है। जैसे कि ह्यूमन की एवरेज एज हम कितनी मानते हैं, 60 इयर्स मानते हैं, लेकिन कुछ कुछ ह्यूमन तो 100 साल भी जी जाते हैं, कुछ 150 साल जी जाते हैं ठीक है। चलो अब इन सब से, क्योंकि ह्यूमन ने ही पहले ये सब कर रखे हैं, तो इससे मैं ये कह सकता हूँ, ये देखो एनसीईआरटी की लाइन है, ये जो मैंने यहाँ लिखी ये लाइन और ये लाइन ठीक है। तो अवर एंसेस्टर न्यू अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड वेरिएशन, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे पूर्वज हैं उनको तो आइडिया था किसका, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स का और वेरिएशन का भी, कि कुछ चेंज भी आता है इसके बाद, और उनको बहुत ही थोड़ा सा आइडिया इसका भी था कुछ साइंटिफिक फिनोमेना, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस भी होगा। अब आप ये कहोगे सर उन्होंने साइंस नहीं पढ़ी है तो उनको साइंटिफिक बेसिस का आइडिया कैसे होगा, तो मैं इसका एक कॉमन एग्जांपल देना चाहूंगा। हम पेड़ों को धूप में ही ग्रो कराते हैं है ना, क्योंकि पेड़ धूप में क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। ये भी एक साइंटिफिक आइडिया है, और ये आइडिया के लिए साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मैं उसी साइंटिफिक बेसिस की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे यहाँ पे भी साइंस पढ़ने की जरूरत है ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि डीएनए से कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं और नए नए कैरेक्टर आते हैं ठीक है, तो उसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। हाँ जी तो सुनिए, मैंने आपको बहुत पहले पढ़ा रखा है कि एक डीएनए होता है ठीक है, डीएनए के दो हिस्से होते हैं, मतलब दो टाइप का डीएनए मिलता है, अगर किसी को याद हो तो बता सकते हो बीच में। जंक डीएनए एंड एक्सप्रेसिंग डीएनए। हाँ हाँ जंक डीएनए और एक्सप्रेसिंग डीएनए, गुड। अब हम एक्सप्रेसिंग डीएनए को ही बताने जा रहा हूँ मैं ठीक है, तो सुनो। हाँ जी यहाँ पे एक है जंक डीएनए और एक है बीच में, कहीं कहीं मिल जाता है ये ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेसिंग डीएनए ठीक है। तो सुनिए ध्यान से, ये वाला जो हिस्सा है यहां से लेकर यहां तक और फिर ये वाला जो हिस्सा है ठीक है, इन सब को हम बोलते हैं जंक डीएनए ठीक है, यह है जंक डीएनए। जो मैंने बीच में ग्रीन कलर से बनाया है ठीक है, यहां से यहां तक, इसको हम बोलते हैं जीन ठीक है। अच्छा अब जब मैंने जीन लिखा है तो जीन को क्या बोलते हैं, और जब मैंने जंक डीएनए लिखा है तो इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे पहले मैं ये बता देता हूं। ये जो जीन वाला हिस्सा होता है इसके अंदर एक प्रोसेस चलती है जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन से बना देता है एक सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड जिसको बोलते हैं एमआरएनए, और इस एमआरएनए से फ्यूचर में ये बना देगा अमाइनो एसिड की एक लंबी चेन ठीक है, अमाइनो एसिड की बनी हुई एक लंबी चेन, अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड ठीक है, अमाइनो एसिड की एक लंबी चेन बना देगा। और ये कौन सी प्रोसेस से बनाएगा, इसको ये बनाएगा इसको आपके ट्रांसलेशन से ठीक है। अभी ट्रांसक्रिप्शन क्या है बस इतना जान लो, इस डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन ठीक है। आरएनए के तीन टाइप होते हैं, मैंने आपको बताया था शायद, एक तो होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए, एक होता है आरआरएनए। M4 मैसेंजर, T4 ट्रांसफर, R4 राइबोसोमल ठीक है। अब सुने, तो एमआरएनए
बनाया इसने, डीएनए से एमआरएनए बने, प्रोसेस का बोलेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। और ट्रांसलेशन क्या होता है, इस एमआरएनए के अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड की चेन को बनाना। याद रखना एमआरएनए के अकॉर्डिंग बन रहा है। अगर एमआरएनए मान के चलो एमआरएनए का सीक्वेंस यहाँ पे मैं इस तरह से लिखता हूँ AUGC AUGC, तो इसके हिसाब से ही अमाइनो एसिड बनेंगे। ठीक है, तो जैसे AUG किसी अमाइनो एसिड 1 को बनाएगा, CAU अमाइनो एसिड 2 को बनाएगा, GCA अमाइनो एसिड 3 को बनाएगा। तो ये जो अमाइनो एसिड बनेंगे ये किसके अकॉर्डिंग बनेंगे, एमआरएनए के अकॉर्डिंग बनेगा। और जो ये एमआरएनए बनेगा ये डीएनए के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, तो मेन जो यूनिट, जो मेन बेसिस है वो तो डीएनए ही है ना। अगर डीएनए नहीं होगा तो एमआरएनए ही बनेगा, एमआरएनए नहीं बनेगा तो अमाइनो एसिड नहीं बनेगा। और अमाइनो एसिड से बनी हुई चेन को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। प्रोटीन को हम पॉलीपेप्टाइड बोल सकते हैं, प्रोटीन को हम पॉलीपेप्टाइड बोल सकते हैं। अब पेप्टाइड क्या होते हैं फिर, पेप्टाइड देखो दो तरह के होते हैं, एक होता है डाइपेप्टाइड, एक होता है पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, डाइपेप्टाइड क्या हुआ, जिसमें दो पेप्टाइड बॉन्ड दिखेंगे, ठीक है, और एक पेप्टाइड दो अमाइनो एसिड से बनता है, मतलब अमाइनो एसिड 1 जुड़ गया अगर अमाइनो एसिड 2 से, तो बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड आ गया है, तो इसलिए इसको अब हमें एक पेप्टाइड बोल सकते हैं। तो एक पेप्टाइड मतलब दो अमाइनो एसिड, समझ गए, क्लियर है। प्रोटीन के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ये आपको पता होगा 11th क्लास से, क्लियर है। वन पेप्टाइड मतलब दो अमाइनो एसिड, क्लियर है। चलो अब ये ज्यादा घिचपिच हो गई यहाँ पे, इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, पेप्टाइड क्या होते हैं मैंने बता दिया आपको फिलहाल। अब आप खुद सोचिए, यहाँ पे यहाँ तक समझ में आ गया जो ये बताया है? यस सर। ओके, इसके बाद अब बात करता हूं मैं, एक तो टाइम रह गया है 3 मिनट, अब मैं जल्दी से बताता हूँ फटाक से। ठीक है, हाँ जी, इन सबको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है, अब देखो, आप मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि ये डीएनए पैक होकर के क्या बनाता है, डीएनए पैक होता है, डीएनए पैक होकर बनाता है क्रोमोसोम। डीएनए पैक होकर क्रोमोसोम बनाता है, ऑब्वियस सी बात है, इस डीएनए में कहीं तो जीन होगा। अब याद रखना 1% जीन मिलता है, ठीक है, और 99% जंक मिलता है। जीन वो हिस्सा होता है जो प्रोटीन बनाता है, मींस एक्सप्रेसिंग, ठीक है, जो एक्सप्रेस करता है। और जंक डीएनए वो होता है जो प्रोटीन नहीं बनाता है, जिसकी मदद से प्रोटीन नहीं बनता है, मतलब ये क्या है, नॉन एक्सप्रेसिंग। नॉन एक्सप्रेसिंग को आप लोग नॉन फंक्शनल बोल सकते हो, ठीक है, नॉन एक्सप्रेसिंग को आप लोग नॉन फंक्शनल बोल सकते हो, और एक्सप्रेसिंग को आप लोग फंक्शनल डीएनए बोल सकते हो। तो जीन की जो एक डेफिनेशन यहां से बन के आई है वो ये बन के आ जाएगी कि जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, ठीक है ना, क्लियर है। फंक्शनल क्यों बोल रहे बता दिया, क्योंकि एक्सप्रेस करता है, और एक्सप्रेस का मतलब ही क्या होता है, इससे एमआरएनए बनना और फिर उससे प्रोटीन बनना। ठीक है, ये बात मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हम स्टार्ट करें जेनेटिक्स को, ठीक है, इसलिए बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ये ही नहीं समझाना फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। तो डीएनए से आरएनए और फिर प्रोटीन बनना, इसी को हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सीधी सी बात है, इस क्रोमोसोम के ऊपर कहीं तो हमें जीन दिखेंगे, इसके ऊपर कहीं तो हमें जीन दिखेंगे, ये कहीं तो हमें जीन दिखेंगे। अब जीन की जो पोजीशन होती है क्रोमोसोम पर, उसको हम लोकस बोलते हैं, पहले से ही याद रख लो, ठीक है, द पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड लोकस, उसको हम क्या बोलेंगे, लोकस, LOCUS। ठीक है, अगर मैं बहुत सारे लोकस की बात करूंगा तो उसको हम बोलेंगे लोकाई,
ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो मुझे तुम्हें अभी बतानी है। फिलहाल आप बस याद रखें, क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक पेरेंट से आते हैं, हैप्लोइड सेल से एक सेट आएगा, उससे फीमेल से दूसरा सेट आएगा, तो ऑब्वियस बात है डीएनए भी आ रहा है, उस जीन की वजह से कोई कैरेक्टर भी आ रहा है, और जब ये दोनों फ्यूज करेंगे तब जो भी इनसे संतान पैदा होगी उसके अंदर दोनों के ही कैरेक्टर आएंगे। तो कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होते हैं इसको और हम कल डिटेल में जानेंगे, फिलहाल कुछ ही सेकंड रह गए हैं, आप अटेंडेंस ले लीजिएगा, ठीक है, इसका स्क्रीन शॉट ले लो 3 सेकंड में, मैं क्लास को खत्म करता हूँ, कल मिलेंगे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, ठीक है।